गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 5, जिसका नाम है बहादुर बित्तो। यह बित्तो जो है ये नाम है एक औरत का, जिसके बारे में यह कहानी लिखी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर बित्तो। बहादुर बित्तो उसे क्यों कहा गया है, इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। यह कहानी एक किसान की है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आया और उसने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बित्तो ने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? किसान खेत में था और वो आया वहाँ से, फिर बित्तो से बोला कि मैं खेत में जब हल चला रहा था तो वहाँ पे एक शेर आया था और उसने कहा कि ये बैल मुझे दे दो, मैं इसे खाना चाहती हूँ। और वो जो शेर था वो भूखा था, वो अपनी पत्नी बित्तो से बता रहा था। फिर बित्तो ने कहा, तो इसके जवाब में तुमने क्या कहा, बताओ क्या कहा? बित्तो नाराज़ होके बोली, क्योंकि जो किसान था वह बहुत सीधा साधा था, इसीलिए उसने कहा कि मैं शेर को रोक के आया हूँ। बित्तो और नाराज हो गई, बोली कि रोक कर तुम किस लिए आए हो? तो किसान की बीवी ने कहा कि तुमने क्या पूछा, तो किसान ने बताया। किसान ने कहा, मैंने कहा है तू यहीं रुक, मैं जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा किसान को, फटाफट घर की गाय को शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर गाय चली गई तो घर में दूध लस्सी कहाँ होगा और बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी, उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया, उसने कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। किसान ने शेर को वहाँ पे जब रोक दिया, फिर बोला कि मैं तुम्हारे लिए अपनी गाय लेकर आता हूँ। लेकिन फिर जब घर गया और बित्तो से उसने बात की, तो बित्तो ने उसे समझाया कि अगर गाय चली गई तो हमारे बच्चे कैसे रोटी खाएंगे, हमारे यहाँ दूध लस्सी घी ये सब कैसे आएगा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, हमारे पास जो गाय और बैल हैं वही हमारे जीने और रहने का साधन है, हम कैसे उसे शेर को खिला सकते हैं। दोनों ने आपस में बात की और किसान ने कहा कि आखिर मैं क्या करता, शेर से बैल को बचाने का कोई भी उपाय नहीं था। बित्तो बहुत गुस्सा हुई और उसने बहुत ही किसान को फटकारा। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिस गाय का तुम दूध खाते हो, दही खाते हो, घी खाते हो, उसको तुम शेर को खिलाने की बात करके चले आए और तुम्हें इस बात पे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर हमारी गाय चली गई तो हम कैसे रहेंगे और कैसे जिएंगे खाएंगे? बित्तो फिर एक विचार बित्तो के मन में आया और उसने फौरन खेत में जाकर शेर से कहो, उसने कहा कि फौरन तुम जाओ, जल्दी जाओ, किसान से कहा, और मैं जो कह रही हूँ वही कहना। किसान ने बोला कि क्या कहा जाए? तो बित्तो ने बोला कि तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रहे। बित्तो ने कहा कि बोल देना कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो शेर ना तो गाय को मांगेगा ना तो बैल को मांगेगा। किसान डरता डरता शेर के पास गया और शेर से कहा कि शेर राजा मेरी गाय तो एकदम बीमार है, बिल्कुल मरियल सी दिखती है, तो आप जो उसको खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरी जो बीवी है वो आपके लिए मोटा ताज़ा सा घोड़ा लेकर
आ रही है। शेर इसकी बातों में आएगा और इसको सुनकर रुक गया। उसने इंतजार किया। बित्तू ने सर पर एक बड़ा सा पगड़ी बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार होकर हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फंसा कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनते ही शेर डर गया, कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि मेरे घर की गाय शेर के हवाले करते थे। उधर मारे भूख के शेर की आते छटफटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह चार शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तू थी जिसने आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। जब शेर ने बित्तू को देखा कि वह पगड़ी उगड़ी बांधे और एक हाथ में फरसा लिए हुए घोड़े से उतरी, तो उसने उसे राक्षसी समझ लिया और उसने ऐसे ही शेर को अपनी बातों में फंसाने के लिए बोला कि मैं अपने किसान से कि अरे पतिदेव, तुम तो कहते थे तुम चार शेरों को बांध के रखे हो खाने के लिए, तो एक ही शेर है, चलो नाश्ते में इसे ही खा लेते हैं। वो सिर्फ शेर को डराने के लिए यह बात कही और जो शेर था उसकी बातों में आकर डरने भी लगा और भाग गया। लेकिन जब शेर ने यह कहानी इस तरह से बित्तू ने क्या किया, अपने गाय और बैल दोनों को बचा लिया। लेकिन जब शेर गया और भेड़िए से बात करने लगा, भेड़िया बोला कि क्या बात है महाराज। उसने कहा कि आज एक राक्षसी से पाला पड़ा जो कि चार शेरों का नाश्ता सुबह में करती है। तो फिर भेड़िया हंसने लगा क्योंकि भेड़िया सारा तमाशा देख लिया था। भेड़िए ने कहा, महाराज आप बेवकूफ़ बन गए हैं, वो बित्तू थी, वो कोई शेर वर नहीं खाती, वो खाना खाती है और वह आपको वहाँ से भगाने के लिए यह तरकीब बनाई थी, क्योंकि उसे अपने बैल अपने गाय की सुरक्षा करनी थी, उसने अपना दिमाग लगाकर आपको डरा दिया है। और शेर को बहुत भूख लगी थी। उसके बाद भेड़िए ने कहा, भेड़िए बहुत हंसने लगा। उसने कहा कि मैं तो झाड़ी में छिपकर सब तमाशा देख रहा था, लेकिन आप मेरी बात मानिए महाराज, आप एक बार फिर कोशिश करिए और जाइए और इस तरह से देखिए कि आपको अब की बार गाय या बैल खाने को मिलता है कि नहीं। अगर वह अब की बार बैल नहीं मिला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो शेर ने कहा, ठीक है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हुआ। बहुत कहने सुनने पर भेड़िए ने बहुत मनाया कि आप डरिए मत। वह किसान के खेत में जाने लगा। तो फिर उसने क्या किया कि उसके खेत में गया। तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ में बांधो। शेर ने कहा, तुम अपनी जो पूँछ है मेरी पूँछ में बांध लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ही सही हूँ। भेड़िए ने कहा, ठीक है, आप अपनी पूँछ बांध लीजिए मेरी पूँछ में। तो इस तरह से भेड़िए ने विश्वास शेर को दिलाया और बोला कि आज हम लोग खेत में साथ साथ चलते हैं, क्योंकि भेड़िए को अच्छी तरह से बित्तू के बारे में पता था। वह रोज़ किसान और बित्तू को खेत में देखता था अपने बैल के साथ। उसे पता था कि सिर्फ शेर के डराने के लिए यह कहानी है। दोनों लोग पूँछ बांधकर शेर और लोमड़ी चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गया। अब किसान फिर डरने लगा लोमड़ी और शेर को देखकर। वह डर से
भेड़िए और शेर को देखकर वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। बित्तो बहुत ही बहादुर थी, इसीलिए वह नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ 1 ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। जो भेड़िया शेर को मना कर लाया था कि चलो बित्तो एक औरत है और वो तुम्हें भगाने के लिए यह एक तरकीब बनाई है कि वो शेर खाती है, चलो अब की बार तुम्हें शिकार करने के लिए मिलेगा, तो शेर फिर भी डर रहा था। वो बोल रहा था कि मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा, वो 4 शेर एक बार में खाती है। फिर भेड़िए से कहा कि हाँ मैं अगर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ में बांध लोगे। शेर ने कहा ठीक है। दोनों लोग आपस में अपनी अपनी पूँछ को एक दूसरे के साथ बांध लिए। उसके बाद वह बित्तो और किसान के खेत की तरफ चल पड़े। दूर से किसान की नज़र पड़ी कि शेर और भेड़िया हमारे खेत की तरफ दोबारा आ रहे हैं। अब किसान बहुत ही डरने लगा, फिर वो घबराने लगा कि अब की बार तो बिल्कुल मेरे बैल या गाय को ये लोग लेकर ही जाएंगे। लेकिन बित्तो फिर देखकर नहीं घबराई। उसने बोला कि आने दो। फिर उसके दिमाग में वही तरकीब थी। बित्तो बहादुर थी और दिमाग भी उसका तेज था। उसने कहा कि ठीक है, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। वह जैसे ही भेड़िया और शेर उसके खेत में आए, उसने कहा कि अरे भेड़िए, तुमने तो बोला था कि तुम अपनी पूँछ में 4 शेर बांध कर लाओगे और तुम सिर्फ 1 शेर लाए हो, जो कि इतना मरियल है। तुम फिर अपने वादे से मुकर गए। मैं 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ, उसने बताया। भेड़िए से बोला कि तुम तो बोले थे कि तुम 4 शेर लाओगे। शेर ये बात सुनकर भेड़िए के ऊपर भड़क गया। उसने सोचा कि भेड़िए ने मेरे साथ धोखा किया है, ये सच में 4 शेर खाती है, अब मैं नहीं बचूँगा। शेर फिर एकदम से घबरा गया और फिर खींचते हुए भागना शुरू कर दिया। भेड़िए को भी लेकर तेज़ी से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि एक दूसरे की पूँछ उनमें बंधी हुई थी। क्योंकि भेड़िए की जो पूँछ थी वो शेर की पूँछ में बंधी हुई थी और भेड़िया छूट भी नहीं सकता था, इसलिए उसने वो चिल्लाता रहा, समझाता रहा कि शेर महाराज ऐसा नहीं है, बित्तो आपको मूर्ख बना रही है, आप मुझे छोड़ दीजिए। चिल्लाता रहा, लेकिन शेर एकदम घबरा गया और भागता गया। उसके पूँछ में चूँकि भेड़िया लपटाया हुआ था, वो भी उसके साथ खिंचाता हुआ भागता चला गया और दोनों में आपस में मतभेद हो गया। बित्तो ने अपनी बुद्धिमत्ता से और बहादुरी से समस्या का हल निकाल लिया। इस तरह से किसान और बित्तो अपने बैल और गाय और बच्चों के साथ खुश रहने लगे। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। बच्चों, जो भी वीडियो जा रहा है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जो भी एक्सरसाइज जा रहा है उसको बुक में करते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।